नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डिश टीवी का सेटअप है, सेटअप बॉक्स है, टीवी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप किस तरह से चैनल सर्च करके यहाँ पे जो नए चैनल डिश टीवी की तरफ से जो ऐड होते हैं उन्हें आप किस तरह से अपने डिश टीवी की लिस्ट पे यहाँ पे ला सकते हैं। तो दोस्तों हालांकि क्या होता है कि जो भी नए चैनल्स यहाँ पे डिश टीवी पे ऐड होते हैं वो हमारी लिस्ट में यहाँ पे दिखाई नहीं देते, क्योंकि दोस्तों उन्हें यहाँ पे हमें सर्च करके ऐड करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से करना है ये हम आज की वीडियो में यहाँ पे बताने वाले। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका जो रिमोट कंट्रोल है वहाँ पे आपको होम का ये बटन मिल रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके पास अगर पुराने तरीके का रिमोट कंट्रोल है तो वहां पे आपको मेनू का बटन मिल जाएगा। तो आप अपने रिमोट कंट्रोल के हिसाब से वहां पे मेनू या होम, इन दोनों में से जो भी बटन आपको अवेलेबल है वो बटन यहां पे प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहां पे होम पे क्लिक करके लेता हूं। तो दोस्तों होम पे क्लिक करने के बाद इस तरह की एक स्क्रीन हमारे सामने यहां पे आ गई। तो यहां पे दोस्तों हमें नीचे चैनल्स, एक्टिव सर्विसेज, टीवी गाइड, माई डिश टीवी और हेल्प ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे माई डिश टीवी पे जाना है जो कि 4 नंबर का ऑप्शन है और पहले से हमारा यहाँ पे ही सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का एक मेनू यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर, फेवरेट, चैनल सेटिंग, वीडियो एंड डिस्प्ले से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सीधा नीचे जो टूल्स का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे जाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो नीचे वाला एरो है वहाँ पे नेविगेट करना है, इस तरह से प्रेस करके हमें इसे यहाँ पे नीचे लाना है और यहाँ पे टूल्स के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का और एक मेन्यू यहाँ पे आने वाला है जहाँ पे हमें LNB सेटअप, चैनल सर्च सेटअप, ट्रांसपोर्टर सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे सिंपली जो 2 नंबर का ऑप्शन है चैनल सर्च सेटअप वहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करके लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे नेविगेट करना होगा। तो मैं यहाँ से नीचे नेविगेट करता हूँ और यहाँ पे चैनल सर्च सेटअप पे ओके करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आने वाली है। तो यहाँ पे आपको नीचे सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपको अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पे पता चल जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट सर्च का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है जहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो नीचे फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे 100% यहाँ पे फिल हो रही है और उसके साथ हमारे जो नए चैनल्स है वो हमारी लिस्ट में यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों टीवी चैनल्स के साथ हमारे रेडियो के चैनल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेविंग इन्फॉर्मेशन ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा सेटअप हो गए। तो हमें यहाँ पे ओके करके लेना है, यहाँ पे हमें प्रेस ओके ऐसा बता रहा है। तो हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो सारे चैनल से जो नए यहाँ पे ऐड हुए वो आपके डिश टीवी के लिस्ट में यहाँ पे आ गए। तो आप अपनी लिस्ट को यहाँ पे चेक कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।